बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक भिंडी। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी आज की रेसिपी है गार्लिक भिंडी, तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल है, यानी सरसों का तेल है, और इसको मैंने खूब जो है हीट कर लिया था, ठीक है, ताकि जो है ये हीट हो जाए। इसके बाद हम चीज़ें चीज़ें ऐड करें। यहाँ पर मेरे पास जो है गार्लिक है 3 खाने के चम्मच, ठीक है, ज़्यादा है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पहले तो हम इसको फ्राई करेंगे। स्मेल आने शुरू हो चुकी है लहसुन की, तो प्याज ऐड करेंगे हम 2 मीडियम साइज की प्याज। देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, सही है। अब इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी, कटी हुई बारीक, और ये मोटी हरी मिर्च हमें कट करती है, फ्राई करेंगे इसके साथ। देख सकते हैं ज्यादा तो हम बिल्कुल भी कलर्स का चेंज नहीं होने देंगे, ठीक है। इसमें मैं टमाटर ऐड करूंगी, कटे हुए 2 मीडियम साइज के टमाटर, और थोड़ा सा फ्राई करेंगे इसमें। देखिए टमाटर सॉफ्ट होने लग रहे हैं, ठीक है, सॉफ्ट ज्यादा होने हो उससे पहले मैं बाकी चीजें ऐड करूंगी। इसमें मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी और लूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी है इसके अंदर, और यहाँ पे लाल मिर्च अपने स्पाइस के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं जितना आपको इसमें चाहिए। और थोड़ा कुक करेंगे। इसे कुक किया मैंने, इसकी स्मेल खत्म हो गई है हल्दी की बिल्कुल, और टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। आप देख सकते हैं ये आराम से स्पून के साथ मैश भी हो रहा है। तो अब इसमें हम जो है भिंडी ऐड करेंगे 1/2 kg, और भिंडी को मैंने थोड़ा सा मोटा कट किया हुआ है। इसको कुक करेंगे, और इसमें भी मैं नमक ऐड नहीं कर रही हूँ और नमक पानी ऐड किया है। देखिए ये पक रही है भिंडी, कवर कर दिया है मैंने इसको, अभी तक कोई पानी मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, बिना पानी के इसको पकाया। अगर आपको लगे कि ये लग रही है तो इसमें थोड़े आप पानी के ऐसे ही 2-3 ड्रॉप्स डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बिना पानी के ही पकती है, तो उसको हम और पकाएंगे। भिंडी हमारी जो है अब हम दम पे रखेंगे, ठीक है, तो मैंने नमक ऐड नहीं किया था इसमें, पहले इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें मैंने एक स्मॉल साइज का नींबू लिया है, तो टमाटर ऐड हुए तो खट्टा ना हो जाए इस वजह से। ठीक है चला गया। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे हम दम पे रख देंगे। देखिए यहाँ पे रेडी हो चुकी है हमारी भिंडी, और कुछ नहीं जाएगा, चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया, हम इसको सर्व करेंगे। जी तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है, गार्लिक भिंडी रेसिपी रेडी है, और ये बहुत डिलीशियस है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।